हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू फ्रेश वीडियो। तो इसका इस प्लान का जो बिल्डअप एरिया है वो है 20 बाई 25 फिट का। इस प्लान का जो डिटेल्स, कॉस्टिंग सब कुछ इस वीडियो में है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 20 फिट और इस प्लान का 25 फिट इस तरफ आएगा, इसका नॉर्थ आएगा इस तरफ आ जाएगा साउथ, ये रहेगा ईस्ट और वेस्ट इस तरफ रहेगा। तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। ये मेन डोर है, इसके बाद इधर मिलेगा हम लोगों को स्टोर, उसके बाद इधर मिलेगा लिविंग रूम, और यह है पहला बेडरूम। उसके बाद इधर है बाथ एंड डब्ल्यूसी, और यह है सेकेंड बेडरूम। दो बेडरूम देखने मिलेगा इस प्लान में। प्लानिंग अच्छा है, देखते रहिए, नॉलेजेबल है। और इधर मिलेगा किचन प्लस डाइनिंग। किचन प्लस डाइनिंग एक साथ मिलेगा। तो इसका डोर्स देख लेते हैं। यह मेन डोर मिलेगा, यहाँ स्टोर का डोर इस तरफ आएगा, डिटेल्स बाद में दे दूंगा। इधर लिविंग रूम है और यहाँ पे मिलेगा किचन का डोर, और इस तरफ मिलेगा बेडरूम का डोर, और इधर बाथ का डोर आ जाएगा, और ये है बेडरूम का डोर इस तरफ। ठीक है, इसके मेजरमेंट्स देख लेते हैं। स्टोर रूम का जो मेजरमेंट आएगा इस तरफ आएगा 6 फीट और इस तरफ 4 फीट वाइड, और ये स्टेयर लेके इस तरफ जो आएगा इस तरफ आएगा 10 फीट और इस तरफ आएगा 11 फीट। ठीक है, और बेडरूम की बात करते हैं, इस तरफ 10 फीट आएगा, 10 फीट बाय 10 फीट का रहेगा बेडरूम, इस तरफ भी 10 फीट रहेगा। तो बाथ इस तरफ बाथरूम का आएगा 7 फीट और इस तरफ 5 फीट, 7 फीट बाय 5 फीट का बाथ एंड डब्ल्यूसी है, और ये बेडरूम भी 10 फीट बाय 10 फीट का है। किचन 10 फीट बाय 10 फीट का आएगा, किचन प्लस डाइनिंग एरिया एक साथ है, दिक्कत नहीं आएगा कुछ। ठीक है, और स्टेयर का इस तरफ आप होगा, और स्टेयर का इस तरफ 3 फीट वाइड है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका विंडो का, बात कर लेते हैं। इधर एक विंडो आएगा बेडरूम का, इधर एक वेंटिलेशन है डब्ल्यूसी का, और बेडरूम का जो विंडो इधर एक और इधर एक आ जाएगा, और इस किचन का और डाइनिंग का इधर मिल जाएगा, और इधर एक लिविंग रूम के साथ एक विंडो है, और स्टोर रूम के साथ भी एक विंडो है। तो इसका कॉलम देख लेते, कॉलम पोजीशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर मिलेगा 10, इधर एक 11। तो नंबर ऑफ कॉलम इलेवन,
साइज जो आएगा इसका 10 इंच बाय 10 इंच, और फुटिंग जो आएगा इसका आएगा 4 फीट बाय 4 फीट इंटू 10 इंच का। ठीक है, तो डोर्स के बात कर लेते हैं साइज का। डोर का जो साइज आएगा मेन डोर का वो आएगा 4 फीट बाय 7 फीट का, स्टैंडर्ड साइज है। और बेडरूम का जो डोर है, बेडरूम और किचन का, वो 3 फीट बाय 7 फीट का। बाथ एंड टो स्टोर का, बाथ एंड स्टोर इसका जो डोर आएगा वो 2.5 फीट बाय 7 फीट का। और बेड का जो बेडरूम का विंडो आएगा आपका 4 फीट वाइड 4 फीट आएगा। ठीक है, और किचन का विंडो आएगा 3 फीट बाय 4 फीट का। और जो वेंटिलेशन है वो आएगा 14 इंच बाय 14 इंच का। तो अब इसका कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्ट जो आएगा 6.5 टू 7 लाख। ठीक है, 6.5 टू 7 लाख आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा इस बिल्डिंग के लिए। तो प्लान अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही नए नए प्लान इसमें अपलोड होता जाएगा, आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।